ऐसा धाम कौन सा है, और जो स्वयं ब्रह्म जैसे ज्ञान को धारण करता हो ऐसा विद्वान कौन है। भगवान ने कहा, अर्जुन असित देवल जैसे और व्यास जैसे मुनि ये परम पवित्र साध्य महात्मा है। इनका आश्रय करने पर मनुष्य अपने जीवन में पवित्रता का संचार करता है। साधुओं की संगति क्या करती है, मनुष्य के कर्मों को पवित्र बना देती है, मनुष्य के जीवन को अति आनंदित बना देती है, प्रसन्न चित्त बना देती है, उमंग और उल्लास से भर देती है, निराशा छोड़ करके चली जाती है, आशा में जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाता है। महाराज आशा के आने पर क्या प्रतीत होता है, आशा के आने पर मनुष्य के जीवन में दिव्यता का आगमन होता है। दिव्यता यानी ईश्वर का आगमन, परमात्मा के आगमन से ही जीवन सुखमय बन सकता है, परमात्मा के आगमन से ही जीवन दुखों से दूर हो सकता है, परमात्मा के आगमन से ही जीवन में लक्ष्य बोध हो सकता है। जो लोग धार्मिक नहीं है उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि दुनिया के धन को हड़पना है और उस धन को अपने पास रख करके धन कुबेर बनना है, मालिक बनना है। लेकिन विधाता के यहाँ से जब पत्ता कट जाता है तो फिर धन कुबेर धन को बटोरते रह जाता और उसके समय सीमा पूरी हो जाती है। बहुत सुंदर संदर्भ है महामना मालवीय जी का। भारत के परम प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे और इतने परम सुभट्ट विद्वान थे कि बड़े बड़े राजा उनका सम्मान किया करते थे। राज परिवार में जाते थे तो राजा खड़े होते थे, उनको अभिवादन करते थे। उसमें ब्रिटिश काल था, वो ब्रिटानिया संसद के जो अधिकारी थे वह लोग भी महाराज महामना मालवीय जी का बड़ा सम्मान किया करते थे। एक बार उन्होंने भारत में एक हताशा को देखा, एक निराशा को देखा। अन्य धर्मों की विश्वविद्यालय स्थापित हुई, अन्य धर्मों के नाम से भारत में विश्वविद्यालय बनी, तो उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, शिक्षा का मंदिर नहीं है जहां भगवान की पूजा करके कोई शिक्षा को ग्रहण करे। देश आजाद होने जा रहा है और आजाद होने के बाद अगर भारत में भारत के शिक्षा के मंदिर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इस भाव को लेकर के महाराज महामना मालवीय राजा काशी के यहां पहुंचे, काशी नरेश के राजमहल में गए, उनसे निवेदन किया कि प्रभु हम एक शिक्षा का बड़ा मंदिर स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना धन इसमें पवित्र कर दें तो आपका धन पवित्र हो जाएगा और हमारा धर्म पवित्र हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार देखने को मिलेंगे, संस्कार पढ़ने को मिलेंगे। तो राजा ने कहा महाराज अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं असमर्थ हूं कुछ देने में। जब तक इंसान भगवान से प्रेम नहीं करता ना तब तक उससे कुछ छूटता नहीं है, यहां तक कि दरिद्र भी नहीं छूटता, आलस भी नहीं छूटता। आदमी सो रहा है तो सोएगा, दिन में रात में कभी भी जब भी उसको मिल जाएगा बिस्तर तो बिस्तर छोड़ेगा नहीं। दरिद्रता भी बिना भगवान के प्रेम के नहीं छूट सकती, इसलिए ईश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। राजा नशे में था, उसने कहा महाराज अभी तो कुछ है नहीं, जब होगा तो मैं खुद बुलाऊंगा आपको, और धन इतना आसानी से कहां मिलता है। तो काशी नरेश ने कहा कि अच्छा महाराज आप इतने बेशकीमती सोने से जड़ित जूते पहनते हैं तो क्या मेरा धर्म इन जूतों से भी गया गुजरा है। आपके पास जूतों पे खर्च करने के लिए पैसा है लेकिन धर्म पे शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो महामना वाले जी को उत्तर मिला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इन जूतों में धन छुपा है तो आप महाराज जूते ले जाइए, जूते ही आप ले जाइए। विद्वान पूज्यते सर्वत्र, इसलिए कहा गया कि विद्वान कभी भी क्रोधित नहीं होता, अहंकार में नहीं आता, अपमान महसूस नहीं करता।
अपमान इसलिए महसूस नहीं करता है क्योंकि वो जो कर रहा है वो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहा है, और सेवा करते करते किसी ने अपमान कर भी दिया तो तुम्हारा थोड़ी किया, जिसके निमित्त कर रहे हो उसका हुआ ना, और इतना भी कष्ट ना मिला तो फिर क्या मिला। महामना ने जूते उठा लिए और बाजार में ले जाकर रख दिया कि मेरे राजा ने अपने जूते दिए हैं विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, मेरे राजा के पास धन नहीं है, मैं जनता के बीच में आया हूँ और मैं जनता से पूछना चाहता हूँ क्या आप अपने जेब से अपने आप से ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि हमारे धर्म का विश्वविद्यालय स्थापित हो जाए। आप कल्पना करेंगे बाजार में कुछ देर तक खड़े रहे मामना मालवीय, लोगों को पता लगा कि काशी नरेश ने अपने जूते दिए हैं विश्वविद्यालय बनाने के, लोगों ने अपने घरों के हार तोड़ के देना शुरू कर दिया और 2 घंटों के अंदर देखते ही देखते सोने की ढेरी लग गई। महाराज आप हमारा जीवन ले जाइए, हमारे धर्म के लिए हमारे पास नहीं है तो फिर किसके लिए होगा। जो गांव के किसान थे गरीब थे उन लोगों ने जो स्वर्ण एकत्रित करके व्यक्ति रखता ना अपने पास, कोई अंगूठी में कोई चेन में कोई किसमें, उठा उठा के तोड़ के देना शुरू कर दिया और कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते देखते ही देखते इतना धन इकट्ठा हो गया कि उस धन की खबर जब राजा को लगी तो राजा शर्मिंदा हुआ और हाथ जोड़ करके महामना मालवीय के चरणों में बैठ करके माफी मांगने लगा कि मुझे नहीं पता था कि आपका संकल्प इतना अद्भुत है। विद्वान पूज्यते सर्वत्र है कि परिपाटी को परिपूर्ण करते हुए राजा को दिखाया कि राजन अगर संकल्प अच्छा हो कार्य शक्ति बड़ी हो तो धन बड़ी चीज नहीं है, वो भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसका धन पवित्र कार्य में लगता है। मैं तेरे पास इसलिए आया था कि तू धनवान है और तेरा धन लगता तो तेरा नाम भी रोशन होता, तेरा कुल भी पवित्र होता, लेकिन उसी बात को जनता के बीच में रखा तो जिस जनता को हम गरीब समझते हैं अनाथ समझते हैं उसी जनता ने इतना धन एकत्रित कर दिया कि इससे मैं एक नहीं 4-4 विश्वविद्यालय बना सकता हूं। काशी के परिक्षेत्र में जितना बड़ा राजा का महल नहीं है उससे बड़ा काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है जिसको BHU कहते हैं, है ना, भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। आज विश्वविद्यालय में 7,000 लोग काम करते हैं, इतना बड़ा है वो। 7,000 तो वहां पर नौकरी करने वाले लोग हैं, विशाल काय परिधि में फैला हुआ है, लाखों बच्चों को वहां से शिक्षा मिली है और आज भी BHU का बड़ा BHU से निकला प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां से उत्पादित होते हैं निकलते हैं, काशी की विद्या नंबर 1 मानी जाती है। ये संकल्प की शक्ति है, हमने अगर पवित्रता का संकल्प लेके कुछ सोचा है तो भगवान उसको पूरा करेगा, ये बात उन्होंने दिखाई है। राजन पवित्रता का निवास होता है फकीरों के पास, महामना का भाव पवित्र था इसलिए महामना मालवीय जी के द्वारा स्थापित विचारित पास में कुछ नहीं था, लेकिन इतना कुछ हो गया कि आज दुनिया में महामना मालवीय को परम भट्ट विद्वान के रूप में जानती है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा महामना मालवीय जी को। ये एक क्षमता है पवित्रता का आश्रय करने की, साधुओं की संगति की, धर्म पर विश्वास करने की। आज सबसे बड़ी बात है कि धर्म पर विश्वास नहीं है। अर्जुन किसके साथ खड़ा है? भगवान के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं कि भगवान ये बताओ मैं युद्ध लड़ू कि ना लड़ू, लड़ू तो क्यों लड़ू, किससे लड़ू, अपनों से लड़ू या अपनों को छोड़ करके लड़ू। भगवान ने पवित्र आत्मा वाले मनुष्य की चर्चा की है, अर्जुन इस परिक्षेत्र में जो पवित्र आत्मा है ना वो विदुर जी हैं। क्यों विदुर जी हैं? विदुर जी एक पात्र है महाभारत का, है ना, जो विदुर नीति के रूप में बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जैसे चाणक्य नीति प्रसिद्ध है ना ऐसे विदुर नीति प्रसिद्ध है। महाराज विदुर जी को हस्तिनापुर का महामंत्री नियुक्त किया गया था, महामंत्री अंग्रेजी में वो जनरल सेक्रेटरी,
गवर्निंग बॉडी के अंदर कोई भी फैसला होता है तो उसकी अनाउंस, उसकी घोषणा जनरल सेक्रेटरी करता है। और महामंत्री का तात्पर्य हो गया प्रधानमंत्री के नीचे जो मंत्री होता है उसको महामंत्री कहते हैं, जिसको वर्तमान में हम गृह मंत्री के रूप में जान सकते हैं, है ना। विदुर जी हस्तिनापुर के इसी पद पे आसक्त थे। कौरव पांडवों की सभा में मंत्रणा चल रही थी, भगवान कृष्ण ने एक सुझाव दिया था कि पांडवों को, पांडवों का सुझाव आया है कि उन्हें राज्य नहीं चाहिए और राज्य की परिधि नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दिए जाए, 5 गांव तो भी वो संतुष्ट हो जाएंगे और दोबारा अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे। पांडवों की ओर से प्रस्ताव आया है कि युद्ध ना हो, इसलिए 5 गांव की परिधि उनको दे दी जाए और उन 5 गांव को लेकर के पांडव सुरक्षित रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे। 5 गांव को देने के लिए पितामह भीष्म सहमत नहीं थे कि नहीं, उनका अधिकार ज्यादा बनता है, 5 गांव देकर के हम पांडवों का अपमान करेंगे, समाज में जगहसाई होगी। विद्वानों ने ना किया इसलिए क्योंकि उनका अधिकार ज्यादा है, और दुष्टों ने, अनाचार्यों ने ना किया इसलिए कि उनको हम कुछ नहीं देंगे। अंत में अपना फैसला सुनाया राजा के सामने, ज्येष्ठों के सामने दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने कहा कि हम एक सुई के बराबर जमीन भी उनको नहीं देंगे, अगर उन्हें लेना है तो हमसे लड़के ले ले, बिना युद्ध के हमने कुछ नहीं देंगे। और अपना फैसला सुनाने के बाद औपचारिक घोषणा के लिए महामंत्री को, जनरल सेक्रेटरी को कहा गया, जिस पद पर आ सकते थे स्वयं विदुर जी महाराज। महाराज विदुर से कहा गया कि विदुर जी आप बताइए, आप महामंत्री हैं, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। महामंत्री ने धर्म पत्र देकर के कहा, महाराज न्याय तो यह कहता है कि आपको तत्काल इस पद को त्याग करके महाराज युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि इस राज्य पे अधिकार उनका है, क्योंकि उनके पिता यहाँ के राजा थे और उनके पिता के ज्येष्ठ पुत्र महाराज युधिष्ठिर है, आप नहीं है, इसलिए कुल के ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार राजगद्दी पे होता है, तो राजा बनने का अधिकार महाराज युधिष्ठिर का है। पांडवों को 5 गांव नहीं अपितु पूरे राज्य को उनको दे करके राजा बना करके इस प्रजा को, इस मंत्रिमंडल को चाहिए कि उनसे क्षमा याचना करे कि उनके साथ जो हमने किया वो अन्यायपूर्ण था, चाहे वो लाक्षाग्रह ग्रह की पीड़ा हो, चाहे वो 11-12 वर्ष का अज्ञातवास हो, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, ये घृणित कार्य हमने किए हैं, इसलिए हमें पूरा राज्य उनको दे करके हमें उनसे क्षमा याचनी करनी चाहिए। महाराज विदुर का न्याय था, विदुर ने ऐसा कहा और उनका अपमान होना तय हो गया। फिर तो दुर्योधन ने उनका बड़ा भारी अपमान किया, तुम दासी पुत्र हो, नालायक हो, नीच जात के हो, तुम में कोई समझ नहीं है, अरे हम यहाँ के युवराज, हम राजा हैं, तुम वही कहो जो हम कहना चाहते हैं, तुम वो मत कहो जो धर्म कहना चाहता है। विदुर ने कहा कि महाराज मैं आपका सेवक हूं लेकिन मैं धर्म के पद पे आशक्त हूं, धर्म की बात पूछोगे तो धर्म ही बताऊंगा, अधर्म नहीं बताऊंगा। विदुर का अपमान किया, पद से हटा दिया, तो विदुर जी वहां से तत्काल चल दिए। पितामह भीष्म ने रोका, द्रोणाचार्य ने रोका, गांव के घर के बुजुर्गों ने रोका, अरे ऐसे नहीं जाते। उन्होंने कहा महाराज देखिए 2 अवस्थाओं में भोजन होता है, ये कृष्ण समझाया, एक जब बहुत प्रेम हो किसी से तो थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो तो आदमी खा लेता है, भूख नहीं होती तो भी आदमी खा लेता है, चलो इतना प्यार कर रहे हैं थोड़ा खा लो, या बहुत भूख लगी हो तब, है बहुत भूख लगी हो और उस समय ये विचार नहीं करते कि भोजन कैसा होगा, ठंडा है कि गर्म है, अभी बना कि सुबह बना, अरे जो मिला खा करके पेट भरो।